मिरेकल या वी हैव मेड इट डन। दोस्तों आज YouTube के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है और आज मैं आपको वो अपडेट देने वाला हूँ YouTube का, वो खुशखबरी देने वाला हूँ YouTube का कि आप नाच जाएंगे, झूम उठेंगे। चाहे आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हो, चाहे लॉन्ग क्रिएटर हो, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो, चाहे नहीं हो, आज अगर नहीं नाचे तो फिर YouTube पे यकीन मानिए कभी नहीं नाचोगे, क्योंकि ये अपडेट यस जो आप सोच रहे हो वही है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को। दोस्तों पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि बिकॉज ये तो वर्थ करता है। यहां पे आपको जेन्युइन सबसे पहले ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यहां पे हाजिर हूं और YouTube का ये अपडेट जो आपके सामने है वो मिस्टर हनीफ जो YouTube के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने न्यू यॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर जो है उससे, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ कल और उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ें रिवील की जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो मैं पढ़ के बताने वाला हूँ वो इसी ट्यूज़डे को होने वाला है ऑफिशियली, और वो आप सभी जान पाएंगे YouTube के थ्रू, क्रिएटर इनसाइडर पर भी जानेंगे और हर जगह जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। अपडेट ये है कि पहला अपडेट, YouTube पार्टनर प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी में अब तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए था आपके चैनल को YPP में जाने के लिए और मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव होने के लिए, लेकिन इसे 1 जनवरी 2023 से बदल दिया जाएगा और इसे लोअर कर दिया जाएगा। खत्म तो नहीं कहा है YouTube ने करने के लिए, बट कहा गया है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर्स जो है वो पैसे बना सके, कमा सकते हैं अपने कंटेंट से, और इसलिए हम इस बैरियर को जो 4000 घंटे का है और 1000 सब्सक्राइबर का, उसे हम कम करने जा रहे हैं फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये इसी बात में, उस वीडियो को लाइक कर दिया तो आप डिसलाइक मत कर दीजिएगा। अब आप क्या कीजिए, कमेंट लिख के बताइए कि कैसा लगा आपको, खुश हुए या नहीं हुए। दूसरा चीज, चश्मा में दिख भी नहीं रहा यार। हाँ, सेकंड, अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है, मतलब ये वीडियो एक सपना की तरह दिख रहा है मुझे जो ये अनाउंसमेंट और ये अपडेट होने वाला है। YouTube शॉर्ट्स को YPP प्रोग्राम यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम जो कि मोनेटाइजेशन प्रोग्राम होता है YouTube का, लॉन्गर वीडियो का, उसमें शामिल किया जा रहा है अगले साल से। जी हाँ, शॉर्ट्स वीडियो को YPP प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। ये नहीं कहा गया इसमें कि आप जो शॉर्ट्स फंड मिलेगा कंटिन्यू होगा या क्या होगा या उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एड्स आएंगे यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियोज़ पर और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको हम बताते हैं। YPP प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा और उसमें आपको एड्स के भी पैसे मिलेंगे, जैसे लॉन्गर वीडियोस पे एड्स आते हैं ना उससे मिलते हैं वैसे मिलेंगे। अब देखिए, लेकिन शॉर्ट्स का जो रेवेन्यू स्प्लिट होगा, रेवेन्यू शेयर होगा, वो टोटली अपोजिट होगा। देखिए, YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लॉन्गर वीडियोस के लिए क्या होता है कि 55% यूट्यूबर को मिलता है और 45% एड्स का जो है वो YouTube रखता है, लेकिन शॉर्ट्स के केस में उल्टा होगा, यानी शॉर्ट्स वीडियो पे जो एड मोनेटाइजेशन होगा और YPP प्रोग्राम में, तो उसमें जो है क्या होगा कि 45% यूट्यूबर को मिलेगा और 55% यूट्यूब रखेगा, वाइस वर्सा हो गया यहाँ पे, है ना। यूट्यूब के केस में, लॉन्गर वीडियोज केस में याद रखिएगा, मिलता है अभी 55% यूट्यूबर जो कि मिलते रहेगा, और शॉर्ट्स वीडियो केस में जो है वो 45% ही मिलेगा यूट्यूबर को, वो भी बहुत बड़ा हुआ ना, मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा ना। ओके, चलिए गुड। अब आप सोच रहे होंगे कि एड्स कैसे आएंगे और एड्स यूट्यूब शॉर्ट्स पे और उसका पैसा कैसे होगा। यूट्यूब का कहना है, वहाँ पे जो लोग बातचीत कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस में, उसका कहना है कि यूट्यूब पे मान लीजिए एक बंदा जाता है और शॉर्ट सेल्फ में जो एड्स पे होता है उसका पैसा मिलेगा। भाई वो जो मिलता था ब्राउज फीचर वो तो मिलते ही रहेगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट सेल्फ में एड्स आएंगे। अब एड्स कैसे आएंगे और कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक यूज़र यूट्यूब ऐप खोलता है, यूट्यूब खोलता है और शॉर्ट सेल्फ में वो स्वाइप करते जा रहा है, शॉर्ट्स देखे जा रहा है। मान लीजिए उसने 10 शॉर्ट्स वीडियो देखे, 10 शॉर्ट्स वीडियो अलग अलग क्रिएटर के होंगे हो सकता है, या फिर एक ही क्रिएटर के दो चार भी आ जाए और इस हिसाब से हो सकता है।
तो उस 10 वीडियोस के बीच में जितना भी वो अपने सेशन में, मतलब कहने का मतलब जितना भी एक बंदा जाता है शॉर्ट्स देखता है अपने सेशन में, जब तक वो शॉर्ट्स में रहता है उसमें जितने भी एड्स आते हैं उसको, एड्स आएंगे उसमें, ठीक है, शॉर्ट्स में भी। अब कैसे एड्स दिखाएगा, वीडियो एड्स या कुछ तो आएगा ही, अभी भी तो आ ही रहा है, तो उस केस का जो ऐड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने भी क्रिएटर्स के शॉर्ट्स उसने देखे हैं उसमें, उस सेशन का पूरा ऐड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ गए, सभी क्रिएटर जो कि क्रिएट किए थे उस शॉर्ट्स को, इस तरीके से चलने वाला है। और फाइनली लास्ट, और ये भी एक सबसे बड़ा अपडेट है खास करके म्यूज़िक क्रिएटर्स के लिए, कोरियोग्राफर के लिए, डांसर्स के लिए, इन लोगों के लिए। तो दोस्तों अब तक आप लोग बहुत तड़पते थे कि हम लोग डांस करते हैं इतना उसका पैसा नहीं मिलता, YouTube कह रहा है कि अब इसे भी हम लोग ऑफिशियली अनाउंस करने जा रहे हैं उस दिन की किस तारीख से कैसे कैसे क्या पूरा कंप्लीट रूल होगा, और शॉर्ट्स वीडियोस के लिए और लॉन्गर वीडियोस के लिए दोनों के लिए जो है, शॉर्ट्स के लिए तो अभी भी अलाउड है और लॉन्गर वीडियोस के लिए भी कर दिया जाएगा अगले साल से, और उसमें कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। मैक्सिमम पॉपुलर गाना पे, मैक्सिमम पॉपुलर गाना का आपको रेवेन्यू मिलने लगेगा मैक्सिमम अपने केसेस पे, ये मैक्सिमम से कहने का मतलब कि कुछ उनको भी जाएगा लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। तो हुआ ना ये बड़ा न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए इस बात पे चैनल को। अगर आपको ऑथेंटिक, जेन्युइन और सबसे पहले YouTube टिप्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो 23 तारीख को कर दिया जाएगा, सॉरी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो अगले ट्यूजडे को YouTube कर देगा। आई थिंक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट YouTube अगले ट्यूजडे को करने वाला है, चाहे वो जैसे भी कहे, कोई इवेंट में करे, लाइव स्ट्रीम में करे, क्रिएटर इनसाइडर पे करे, ब्लॉग पे करे, तो ये तो क्लियर है दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में न्यूयॉर्क टाइम्स का एक लेख है, एक आर्टिकल है, न्यूज़ है, उसे आप पढ़ सकते हैं ट्रस्ट के लिए, भरोसे के लिए। थैंक्स लॉट वॉचिंग गाइस, बाय बाय। अरे सब्सक्राइब किया है नहीं, सब्सक्राइब प्लीज एंड प्रेस द बेल अगेन, बाय बाय, सी यू। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है, बाय।